सो हेलो वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर चैनल। यहाँ पर आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी क्रीपी और डिस्टर्बिंग चीज़ जो हमें पोकेमॉन से देखने को मिल जाती है। एंड यप गाइस, ये तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती है, जैसे पोकेडेक्स एंट्रीज में तो कहीं पर कुछ ऐसे ही मिथ्स में इन सब तुम्हें ये देखने को जरूर मिलती है। सो यार चलो यार, जैसे मैं तुमको एग्जांपल दे दूँ, बहुत सारे पोकेमॉन है जिनकी जो बैक स्टोरी होती है या फिर पोकेडेक्स एंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम डस्क नॉल का देख लो। सो यार चलो जल्दी से बिना टाइम को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपनी भयानक और दयानक वीडियो। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सो फैक्ट नंबर वन, जो कैक्टिनम पोकेमॉन होते हैं ये ऐसे लोगों डेजर्ट पर ढूंढते हैं जो थकने वाले होते हैं, और जब वो जो पोकेमॉन जब वो इंसान थक जाते हैं तो ये इन पोकेमॉन्स को मार देते हैं। और भाई ये बहुत क्रीपी चीज़ मुझे लगी। एंड जो ये गेम है पोकेमॉन सोलर सिल्वर, जब तुम वहाँ पर जियोवानी से मिलते हो तो बोलता है कि तुम बाद में समझ आएगा कि तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। फिर एक बैटल होती है और जब तुम जीत जाते हो तो ब्लैकआउट होता है और फिर किसी के पानी में डूबने की आवाज़ आती है, और इसका मतलब वो होता है कि जियोवानी मर गया। और ये पोकेमॉन है युक्सी, और तुम इसको जानते हो ये अपनी आँखें नहीं खोलता है, बट बहुत रेयरली खोलता है, और जिस जो देख लेता है इसको खोलते हुए वो इंसान की मेमोरीज गायब हो जाती है। और जो ये सुबैट होते हैं ना, वो कम से कम एक बार में तुम्हारे 295 ml की ब्लड को चूस सकते हैं। एंड अगला फैक्ट, ये जो तुम ल्यूमिनोसिटी के इसमें फ्लोर पर जाओगे तो तुमको ये लड़की दिखती है, वो बोलती है कि तुम वो नटी और नॉट दबा, और तुमको माउंट पायरे पर भी दिखती है। एंड वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये लड़की असल में है कौन, भाई किसी को नहीं पता। एंड जो पोकेमॉन स्पॉइंक्स होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उछलते रहते हैं, जैसे तुमको पता होगा, अगर ये उछलना बंद कर देते हैं तो ये मर जाते हैं, और ये बहुत बुरी बात है। और तुमने स्वर्ण शील्ड के बारे में तो पक्का सुना होगा, तो ये स्वर्ण शील्ड में रूट 5 पे, जो रूट 5 होती है उस पर एक ऐसे तो जगह है, घर है जहाँ पर तुम बोल सकते हो, वो मतलब तुम्हें को याद भी क्या है। सो वहाँ पर अगर तुम जाओगे ना, अब वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर जो सोफ़ा है तो वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कोई विंडो नहीं दिखेगी, बाहर से एक विंडो है बट अंदर से कोई विंडो नहीं दिखती है। फिर वहाँ पर तुमको जो पता चल जाता है कि एक बटन है जिसको तुमको दबाना होगा, फिर वहाँ पर एक विंडो अपीयर होती है, और जब जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो उस विंडो में देखता है ना, सो क्या होता है कि मतलब वो उसका मुँह देखो कैसा बन जाता है। सो ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसी भयानक चीज़ें देख ली हैं, बट आज तक ये मिस्ट्री किसी को नहीं पता कि असल में उसने क्या देखी है, और शायद ये भी पता भी ना चल सके, पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, बट ऑफकोर्स पता चलना चाहिए क्या होता है। एंड मुझे तो लगता है बहुत बड़ी मिस्ट्री बन सकती है, बट और ये मिमिक्यू पोकेमॉन को तो पूरा नहीं जानता भाई, ये दुनिया से मिस्ट्रीज पोकेमॉन है यार। और प्लस ये पोकेमॉन थोड़ा यूनिक ही है, कहा जाता है कि इसके अंदर एक और पोकेमॉन है। सो बाई चांस क्या हुआ था, एक पोकेमॉन ट्रेनर ने इसके अंदर के पोकेमॉन को देख लिया था, वो इतना घबरा गया था कि भाई उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सब समझ सकते उसके अंदर कौन सा पोकेमॉन है आज तक कोई नहीं जान सका, और उसके पता नहीं अब क्या होगा, पता चलेगा कि नहीं। मुझे तो लगता था पहले मार शैडो है, बट नहीं, मार शैडो तो नहीं है इसके अंदर। चलो चलते हैं अगले फैक्टर की तरफ। तुम इस पोकेमॉन को देखो तो तुमको लगता है कि खतरनाक होती है, बहुत क्यूट पोकेमॉन है, बट इसके बाद में एक स्कैरी फैक्ट ये है कि जब से पैदा होता है ना, ये सोता ही रहता है, मतलब जब से मतलब ये पूरी लाइफ टाइम सोता है, और जब स्टार्ट जब पैदा हुआ सो रहा है, मिडल में है सो रहा है, मर गया सो ही रहा है, मतलब कितनी अजीब बात है कि बंदा मरते वक्त भी सो ही रहा होता है, मरते सोते सोते ये मर जाता है। तो मुझे तो एक चीज़ बहुत वो मिली। और ये जो पोकेमॉन फर्स्ट गेम्स होते हैं थे रेड एंड ब्लू, और उसमें जब तुम सिनेमर आइलैंड पे जाओगे तो तुमको फोर्स ऑफ की चाहिए होगी जिससे तुम उसके डोर को एक्सेस कर सको और जाकर तुम अंदर जा सको, और जब तुम्हारे पास की नहीं होती है तो तुम ऊपर देख सकते हो कि इंसान खड़ा है। सो वो इंसान तो थोड़ा अजीब लगता ही है कि भाई कौन है। एंड ये एक जाइजेंटा मैक्स गेंगारा, अगर तुम जाइजेंटा मैक्स गेंगारा जानते हो तो ये बहुत खतरनाक पोकेमॉन को लगता है, बिकॉज इसके जो टंग होती है वो उसके पेट से नहीं जुड़ी होती, वो अगर एक इंसान उसकी टंग चल जाती तो अपने आफ्टर लाइफ चल जाता है। बता दो कैसे, देखो ये पोकेमॉन होता है ना, वो मतलब इंसानों को निकलना बहुत अच्छा लगता है, और इंसानों को निकलना तो सब उसको अच्छा लगता है। ये क्या करता है ना, जो इंसान होता है उसकी जो सबसे उसको प्यारे होते हैं ना, उनकी आत्मा उनकी जो मर जाते हैं उनकी ना आवाज़ अंदर से आती है, और फिर इंसान तो अंदर चल जाते हैं, और फिर वो अपने आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। सो गाइस बस आज के एपिसोड में इतना ही। ऑफकोर्स तुमको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो